नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। सिर मुंडन कर देंगे बीजेपी को श्रद्धांजलि, सामाजिक कार्यकर्ता टाउन वेंडिंग कमेटी सदस्य नंद किशोर शर्मा। उप महापौर मनीषा धावड़े के घर के सामने हनुमान मंदिर बीजेपी का प्रसाद करेंगे व बीजेपी को श्रद्धांजलि, पिंडदान करने के बाद श्रद्धांजलि देंगे और संकट मोचन हनुमान मंदिर में हवन कर बीजेपी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करेंगे। माननीय सांसद व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नागपुर शहर के बीजेपी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ माननीय सांसद नितिन गडकरी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से रक्तदान शिविर का आयोजन करके मनाया गया। लेकिन नंद किशोर शर्मा का कहना है कि नागपुर शहर में इस समय महामारी से कई लोगों के घर उजड़ चुके हैं, मगर इनको नितिन जी गडकरी का जन्मदिन बराबर याद है। इन्हें यह याद नहीं है कि नागपुर शहर के कई हजारों लोग भूखे प्यासे, कई लोगों को ऑक्सीजन नहीं, कई लोगों को बेड अवेलेबल नहीं, दवा खाने में उनकी मदद करना चाहिए, घर उजड़ रहे हैं, कई लोग भूखे सो रहे हैं, उनकी सेवा करना चाहिए। यह रक्तदान करके क्या साबित करना चाहते हैं कि बीजेपी जो भी है, माननीय नितिन जी गडकरी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे कई सालों से समस्या है और उस समस्या के बारे में अगर कोई बोलने जाता है तो उसका जो पति है आशीष धावड़े व ससुर जो है चरण धावड़े, ये उनके अगेंस्ट में उनके ऊपर पत्थर उठाना, उनको मारना, डराना, धमकाना, तो ये सब नीति के आधार पे मैं भी बोलने गया। मैं बोल रहा था MSEB के अधिकारी को, मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं था। ट्रांसफार्मर उधर का भी नया, मगर यहाँ का अभी तक नया नहीं डाले, कई सालों से प्रॉब्लम है, आए दिन लाइट जाती है। यहाँ कई लोग कोरोना से होम क्वारंटाइन है, उसकी समस्या नहीं देखना है इनको। बस आए और मेरे ऊपर में पत्थर उठा के मेरी माँ बहन की गाली बकने लगा। मैं बोल रहा था MSEB के अधिकारी को कि बार बार लाइट क्यों जा रही है। अधिकारी बोलता है कि यहाँ का ट्रांसफार्मर बदलना पड़ेगा, कई साल पुराना है। तो मतलब क्यों, क्या समस्या है? तो बोले इसके लिए हमने उप महापौर को दिए है, बोले, मगर उप महापौर इस पर गौर नहीं कर रहा है, तो हमारी कोई गलती नहीं है। तो गलती किसकी है, यानी वो पत्थर उठा के मेरी माँ बहन ले सकता है? आज मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो 1995 में जो नंदलाल समिति आई थी और जो खेल घोटाला जो हुआ था, उस खेल घोटाले में विमलताई धावड़े जो इनकी सास है, किसकी, उप महापौर मनीषा धावड़े की, वो अंदर खेल घोटाले में हो गई थी, जो 3 दिन जेल में रह के आई थी। मैं बोलता हूँ पार्टी लेवल पे नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस या विधायक यहाँ का जो कृष्णा खोपड़े है, क्यों ऐसे लोगों को आप टिकट दे रहे हो जो भ्रष्टाचार में खेल घोटाले में लिप्त है। नंदलाल समिति ने उनको अंदर किया है, प्रूफ मिला उनके पास। अब मैं भी इनकी ITI फाइल करूंगा और ITI फाइल करके अगर एक कोई भी घोटाले में मिलते हैं मुझे, तो मैं इनको ठोकूंगा। मैं नितिन जी गडकरी से ये प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप इसे उप महापौर पद से हटाया जाए और यहाँ के जो नागरिक है, जो नागरिकों की समस्या है, वो हल की जाए। मनीषा दाऊड़ी जी का साफ कहना है कि आपने जो आरोप लगाया है जिसमें अधिकारी को आपने मारहाण की थी, जिसमें बचाने के लिए उनके हस्बैंड आए थे। नहीं, मैंने कोई अधिकारी को ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अधिकारी से जानकारी ले रहा था कि बार बार लाइट क्यों जाती है यहाँ की, क्योंकि कोरोना के कारण कई लोग होम क्वारंटाइन है। आज हम भी घर में हैं काम धंधा छोड़ के, तो इस ऐसे माहौल में लाइट क्यों जाती है बार बार, ऐसा कहने पे वो मेरे आंख पे आया। मैं जबकि अधिकारी से बात कर रहा था, मैंने कोई अधिकारी से बदतमीजी से बात नहीं किया। आप जो आरोप लगा रहे हो पूरे तरीके से निषेध है, आपके आरोपों के कोई महत्व नहीं है, ऐसा सीधा साफ धावड़े मैडम ने कहा। देखिए, ये जो कहते हैं ये कितने दूध के दूल्हे हैं, ये तो अभी समय बता देगा। मगर मैं ये बोलता हूँ कि मैंने कोई विषय पे बात नहीं किया, मैंने यही विषय पे बात किया हूँ कि आप जितना भी है हो सके, ये देखिए, ये ग्राउंड देखिए, यहाँ का ग्राउंड देखिए, कोई बोलता नहीं उनके खिलाफ में, यहाँ कोई नहीं बोलता है, यहाँ डरते उनसे, और जो बोलता है उसके लिए फिर वो माँ बहन की गाली और पत्थर लेके दौड़ते हैं। 100 बात की एक बात। अभी आपकी भूमिका क्या रही है, अभी आप मुंडन करवा रहे हैं? अभी ये तो एक ऐसा है कि ये मैं नितिन जी गडकरी और जो सांसद आए 303 हिंदुस्तान में बीजेपी के, जो उनकी सरकार बनी है, मैं उनको पिंडदान करता हूँ और आज मुंडन करता हूँ। और ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में, तुम नहीं आए, आने वाले समय में मैं ITI फाइल करूँगा और इन सबको बता दूंगा कि भाई ये देखिए, ये घोटाला है,
जैसे नंदलाल समिति ने निकाला था 95 में और ये इनकी सास गई थी मनीषा धावड़े की जेल में, वही हिसाब से मैं इनको ये चाहता हूँ कि गडकरी को ये कहना चाहता हूँ कि ये सब घोटालेबाज है, इनका घोटाला मैं निकाल के रहूँगा।